हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूं आपको गणित कक्षा 12 की डॉक्टर मनोहर रे हर्षु शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की अध्याय नमस्कार गुड मॉर्निंग और चैप्टर पढ़ा रहा हूं। पांच प्रश्नावली है, 5H में से मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, दिख रही होगी। 5H में से मैंने आपको 20 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, आज मैं उसके आगे बताऊंगा आपको 21 नंबर। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है, 21 के बाद आगे देख लीजिए, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपको ये दिखा है, 21 और 22 आपके दो ही क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के, इसके बाद आगे आपको नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। 21 और 22 आप लोगों को दो क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, लॉन्ग क्वेश्चन है, इस बेस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। कोई समस्या, कोई जबरदस्ती नहीं करना है, आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखा है हमारे पास x बराबर 380 अपॉन 1 प्लस का t क्यूब, y बराबर 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का t क्यूब। तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके थ्रू किसी और का फायदा हो जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा और हमको और अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है पहली कंडीशन में dy बाई dx निकालना है, तो x बराबर हमारे पास क्या 380 बटी 1 प्लस का t क्यू हमारे पास लिखा हुआ है, जिसका क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर यह जाएगा हमारे पास dy अपन dt हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटी आ जाएगा हर का स्क्वायर। जी हमारे पास फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं फार्मूला हमारे पास। अब जो हो जाएगा 1 प्लस का टी क्यूब, जो हो जाएगा 3a 12 टी का हो जाएगा 1 माइनस का 380 इंटू हो जाएगा जी हमारे पास हो जाएगा 3t स्क्वायर, टोटल बटी आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम थोड़ा गुणा कर लेंगे, जो जाएंगे हमारे पास 3a प्लस का 3a टी क्यूब माइनस का 3 त्रिका 9a टी क्यूब बटे हो जाएंगे 1 प्लस का टी क्यूब का हो जाएगा होल स्क्वायर, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 3a तो वैसे रहेंगे, जिन 9 में से 3 कम कर देंगे 6a टी क्यूब हो जाएंगे, बटे हो जाएंगे 1 प्लस टी क्यूब का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3a का हमें कॉमन मिल जाएगा, 3a तो हम कॉमन ले सकते हैं बहुत आसानी से, सॉरी 3at भी आएगा यहाँ पे, टी भी होगा तो 3at कॉमन मिल जाएगा, जो बचेंगे 1 माइनस का 2t स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास t नहीं आएगा, तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, बटे आ जाएगा 1 प्लस का t क्यूब का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा, तो हमारा आ जाएगा dy अपॉन dt, ये बचेंगे हमारे पास t क्यूब ही रहेगा। अब देखते हैं इसके आगे आप लोगों को dy अपॉन dt तो आ गया, अब निकाल लेते हैं इसका हम dy अपॉन, हम क्या निकालेंगे dx अपॉन dt निकाल लिए, अब निकालेंगे dy अपॉन dt, सॉरी यहाँ पे तभी गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे हमारे पास x दिया हुआ है, यहाँ पे x का मान आएगा, आप लोग भी सॉरी गौर सॉरी सही कर लीजिएगा, x का मान आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है y का, तो अब यहाँ पे आ जाएगा y बराबर लिखा हुआ है 3at स्क्वायर बटे आ जाएगा 1 प्लस का t क्यूब, इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा dy अपॉन डी टी बराबर आ जाएगा अंश 1 प्लस टी क्यूब इंटू हर का अवकलन आ जाएगा 3a इंटू में आ जाएगा 2t माइनस अंश 3at स्क्वायर, हर का अवकलन आ जाएगा 3t स्क्वायर, टोटल बटे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, जो जाएंगे 3 दुना हो जाएंगे हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब ऐसे रख लेंगे, जो जाएंगे 3 दुना 6at माइनस को जाएंगे 3 त्रिका 9at की पावर 4 बटे आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर,
देखो यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेंगे, ये जाएंगे 6 AT प्लस का 6 AT की पावर 4 माइनस का 9 AT की पावर 4 बटे हो जाएंगे हमारे पास 1 प्लस T³ का होल स्क्वायर। अब इसके आगे इसका सॉल्व कर लेंगे, जाएंगे 6 AT मिल जाएगा माइनस के हो जाएंगे 3 AT की पावर 4 बटे हो जाएगा 1 प्लस T³ का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा 3 AT, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 3 × 6 2 माइनस का हो जाएंगे हमारे पास T³ बटे हो जाएंगे 1 प्लस T³ का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy/dt। आप जानते हैं, हम जानते हैं, लिख लेंगे, हम जानते हैं कि dy/dx बराबर dy/dt टोटल बटे dx/dt। dy/dt हमारे पास लिखा हुआ 3 AT 2 माइनस का T³ टोटल बटे आ जाएगा 1 प्लस का T³ का होल स्क्वायर। जी आ जाएगा जो टोटल बटे था हमारे पास dy/dx का dx/dt क्या था 3 A 1 माइनस का 2 T³ बटे आ जाएगा 1 प्लस T³ का होल स्क्वायर। जैसे जे कट जाएगा 3 से 3 A कट जाएगा, बाकी उसी बचेगी वो हमारी वैल्यू शेष बच जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और थोड़ा आगे है 8 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास T² माइनस का T³ बटे 1 माइनस का 2 T³। नियम को प्रूव करके लाना था dy/dx फर्स्ट नंबर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, 2 नंबर में एक चीज और करनी है, हमें निकालना है dy/dx बराबर T² माइनस का T³ बटे 1 माइनस का 2 T³ में T=1/2। जो dy/dx एट T=1/2 आ जाएगा, T का मान 1/2, 2 − 1/2 का होल क्यूब बटे आ जाएगा हमारे पास 1 − 2 × 1/2 का होल क्यूब 1/2, 2 − 1/2 × 2 = 8 बटे 1 − 2 × 1/2 × 2 = 8 तो 2 × 4 8 × 16 तो 1/2 हो जाएंगे, और 8 × 16 16 में से कम कर देंगे जो बचेंगे 15/8 टोटल बचेंगे 4 × 4 4 में से कम कर देंगे 3/4 कितने बचेंगे हमारे पास 4 तो जो जाएंगे बटे बट्टा तो जाएंगे हमारे पास 1/2 × 15/8 × 4/3 4 × 8 = 15 हमारे पास बचेगा 2 × 4 तो 5/4 dy/dx एट T=1/2 पे मान क्या मिल जाएगा हमारा 5/4 जो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21 नंबर क्वेश्चन, काफी बड़ा था आप लोगों को बता दिया गया। अब बताते हैं आपको इसी का 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि लॉन्ग है क्वेश्चन, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग पेशेंस के साथ में वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं इसी के आगे, आप लोगों की थोड़ी सी जूमिंग कम करते हैं, ज्यादा है आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको पूरा पूरा दिखेगा। क्वेश्चन लिखा है यदि a प्लस बी बराबर cos थीटा माइनस का b cos a प्लस बी बाई बी थीटा तो y बराबर इतना, तो हम लिख लेंगे हम x बराबर, सॉल्यूशन करेंगे x बराबर हमें दिया हुआ है a प्लस का b cos थीटा माइनस b cos a प्लस बी बाई बी थीटा हमको दिया हुआ है। अब इसका अवकलन कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा x थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आ जाएगा हमारे पास dx/dθ बराबर माइनस का हो जाएगा a प्लस बी cos थीटा का होता है अवकलन sin थीटा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का b साइन ए प्लस का बी बाई बी इंटू में आ जाएगा हमारे पास थीटा, और इसका हमारा अवकलन हो जाएगा फिर से तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस का बी बाई बी। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेंगे, हो जाएगा
ए प्लस का बी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो बचेंगे हमारे पास साइन ए प्लस का बी बाई बी इंटू थीटा माइनस का साइन थीटा। बस तो और ले लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ए प्लस का बी टू कॉस ए प्लस का बी बाई बी इंटू में थीटा प्लस थीटा बटे टोटल टू इंटू में आ जाएगा साइन ए माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए प्लस का बी बाई बी थीटा माइनस थीटा बटे दो। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास टू ए प्लस का बी कॉस ए बाई टू बी प्लस वन थीटा इंटू में आ जाएगा साइन ए थीटा बटे टू बी, यह आ गया डी एक्स अपान डी थीटा हमको मिल गया। अब निकालेंगे वाई बराबर, तो आ जाएगा हमारे पास वाई बराबर ए प्लस का बी हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस का बी साइन ए प्लस का बी बाई बी इंटू में थीटा, जी हमको दिया हुआ है। अब इसका अवकलन कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास थीटा के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन कर लेंगे तो ज्यादा आएगा डी वाई अपन डी थीटा बराबर ए का ए प्लस का बी साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस ए प्लस का बी बाई बी इंटू में थीटा, जो जाएंगे हमारे पास ए प्लस का बी बाई बी थीटा का हो जाएगा वन, ए प्लस बी बाई का बी बाई हमारे पास वही सही रहेगा। अब इसके आगे थोड़ा सा और कर लेंगे, और क्या करना है थोड़ा सा बस मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके थोड़ा फॉर्मूला लगा देना सी प्लस डी बी डी के, वो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा ए प्लस का बी और हो जाएंगे हमारे पास कॉस थीटा माइनस कॉस ए प्लस का बी बाई बी इंटू में थीटा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस का बी और ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा प्लस ए प्लस बी बाई बी इंटू में थीटा बटे दो इंटू में साइन ए प्लस बी बाई बी थीटा माइनस थीटा बटे दो। अब आ जाएगा हमारे पास टू ए प्लस बी साइन ए बाई टू बी प्लस वन थीटा इंटू में आ जाएगा साइन ए थीटा बटे टू बी, जो कि हमारे पास डी वाई अपान डी टी का मान आ गया। अब हमें क्या डी वाई अपान डी थीटा का मान आ गया, अब यहां से निकालेंगे हम क्या, हम जानते हैं कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर होता है डी वाई अपान डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। अब डी वाई अपान डी थीटा का मान क्या होता है टू ए प्लस का बी साइन ए बाई टू बी प्लस का वन इंटू में थीटा साइन ए थीटा बटे टू बी। हमारे पास डी एक्स अपान डी थीटा का मान क्या निकला हमारे पास टू ए प्लस का बी इंटू में कॉस ए बाई टू बी प्लस वन इंटू में थीटा इंटू में साइन ए थीटा बटे टू बी, जैसे ये कट जाएगा बी से बी कट जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास टेन ए अपॉन टू बी प्लस वन इंटू में थीटा, ये हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो यही आपको प्रूव करना था और आपकी जो एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है 5H, आप लोगों को 5H के आगे आप लोगों को 5I स्टार्ट होगी अब आगे कल, तो कल नेक्स्ट वीडियो कल के लिए इंतजार कीजिए, इंतजार नहीं करना आप लोगों को क्योंकि रिवीजन करना है आप लोगों को, वीडियो पीछे प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा वहां से आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन मैट्रिक्स और आकलन आप लोगों को अपलोड किया था, आप लोग वहां से देखिएगा और थोड़ा सा समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, साथ ही साथ देश का नाम भी रोशन करते रहिए। और आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आप लोग वीडियो देखते समय लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और डिस्कशन पे आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और कमेटी में आप लोग क्वेश्चन भी देखा कीजिए, उनके आंसर भी दिया करिए। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।